नमस्कार दोस्तों, बीआर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हमारे शरीर के स्वस्थ ना होने का एक सबसे बड़ा कारण, जो सभी कहते हैं कि हमारा शरीर इसलिए स्वस्थ नहीं है कि मार्केट में मिलने वाली चीजें अच्छी नहीं है, यानी कि मार्केट में जो मिलता है उन चीजों में मिलावट है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मार्केट की हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, अगर आप उनका सेवन कर लेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हमें उन चीजों के फायदों के बारे में मालूम नहीं होता और हम सिर्फ यही सोचते हैं कि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो ये दूसरों की गलती है। लेकिन अगर हम गलतियाँ निकालें तो ये हमारी ही गलतियाँ हैं। हमारा आजकल का खान पान, हमारा आजकल का रहन सहन, यही सब कुछ हमारी बीमारियों का कारण है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी चीज के बारे में बताना चाहती हूँ, वो है किशमिश। और ये जो किशमिश है, ये शरीर के लिए फायदेमंद होती है। आप सोचेंगे कि किशमिश आपके घर में होती भी है और हम इस किशमिश को अपने घर में रेसिपी में इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, कोई भी चीज हो, अगर उसे लेने का सही ढंग हमें पता है तभी हम उस चीज का फायदा ले सकते हैं। इसी तरह से ही किशमिश हमारे घर में तो है, लेकिन उसका सही ढंग आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे बताए गए तरीके से किशमिश को एक महीना भी ऐसे खा लिया तो आपके शरीर की कई बीमारियाँ एक महीने में गायब हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, किशमिश को खाने का सबसे बढ़िया तरीका है उसे भिगोकर खाना। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स में बादाम को भिगोकर खाते हैं, वैसे ही आपको किशमिश को रात को पानी में भिगोकर रखना है और सुबह खाली पेट उस किशमिश का सेवन करना है। यानी कि आपको एक महीना लगातार भीगी हुई किशमिश का सेवन करना होगा। उससे आपके शरीर को बहुत ही फायदे होंगे, क्योंकि जो किशमिश है उसमें आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं और ये सभी चीजें शरीर की अलग अलग बीमारियों को खत्म करती है। तो चलिए जानते हैं, अगर आप भीगी हुई किशमिश का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो इससे आपकी कौन कौन सी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। दोस्तों, पहली बीमारी है मोटापे की समस्या। दोस्तों, मोटापा बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि एक मोटापा 10 से 15 बीमारियां और शरीर को लगा देता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है मोटापे की ओर ध्यान देना। इसलिए हम आपको सबसे पहले मोटापा ही बताने वाले हैं कि कैसे आप मोटापे को किशमिश की मदद से खत्म कर सकते हैं। दरअसल किशमिश में नेचुरल शुगर होती है और नेचुरल शुगर हमारे शरीर को ताकत देती है ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म और पाचन शक्ति मजबूत हो पाए। दूसरी चीज, किशमिश में फाइबर भरपूर मात्रा में है और ये फाइबर भी हमारे मोटापे को कम करने में मदद करता है। तो आप किशमिश का सेवन करके बिना एक्सरसाइज, बिना योगा किए ही अपने वजन को कम कर सकते हैं। अगला फायदा है, हमारे शरीर में खून की कमी दूर होती है। किशमिश में आयरन भरपूर मात्रा में है और ये आयरन हमारे शरीर में नए खून का निर्माण करता है। अगर आप भीगी हुई किशमिश का सेवन खाली पेट करते हैं तो आपके शरीर से खून की कमी दूर होती है। एक महीना लगातार इसका सेवन करने से शरीर में खून की कमी खत्म हो जाती है। किशमिश के अंदर का पोटाशियम हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड प्रेशर की समस्या को खत्म करता है। अगर किसी को भी हाई बीपी की समस्या है तो आपको भीगी हुई किशमिश का सेवन जरूर करना चाहिए। भीगी किशमिश का सेवन करने से हमारे शरीर से कैल्शियम की कमी दूर होती है। अगर किसी के दांतों में दर्द रहता है तो उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो दोस्तों, ये हैं भीगी हुई किशमिश खाने के कुछ फायदे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।